नेपाली लोक गायक गीतकार और समाज सेवी मास्टर मित्रसेन की 124वीं जयंती पर गोरखा समुदाय ने शांति मार्च निकाला। इस दौरान धर्मशाला कॉलेज ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जयंती समारोह में तिब्बत निर्वासित संसद के डिप्टी स्पीकर आचार्य यशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया इस दौरान विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदेश सरकार से मांग तो हम क्या करें, लेकिन हम ये उनको संदेश देना चाहेंगे कि जो मास्टर मित्र से थापा जी थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो है स्वाधीनता की लड़ाई के समय लोगों को घर घर में जाके, गाँव गाँव में जाके उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए उनको प्रेरित किया और अपने गीत और अपने भजन के माध्यम से जो है लोगों में जोश करा और उसका जो है जो उन्होंने समाज की कुरीतियों को जो है खास करके विशेष रूप से नशा निवारण और बाल विवाह और विधवा नारी के लिए दोबारा शादी, इस तरह के समाज की कुरीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए सभी गाँव गाँव में जाकर वो संदेश देते थे, नाटक किया करते थे और उनके महत्वता को जो संदेश दिया करते थे। तो हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जो है अपने हमारे बच्चों के इतिहास पे ये जो है इनको प्रमुख रूप से प्रकाशित करे तो हमारे बच्चों को अच्छा संदेश मिलेगा और इन्हीं कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने 2001 में उनके नाम से डाक टिकट जारी किया है, उसी तरह से नेपाल सरकार ने भी उनके कार्य को देखते हुए 1999 में उनके नाम से डाक टिकट जारी किया। हम ये संदेश देना चाहेंगे कि उनके जो अच्छे अच्छे कार्य जो उन्होंने किए हैं वो आज के हमारे युवा और हमारे आज के पूरे जनता को जो है पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को पहुँचे। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।